नमस्कार, मेरे साथ बहुत ही प्यारा बच्चा अमय परासर। आपने इस चैनल के माध्यम से पहले भी इस बच्चे को देखा होगा और आज फिर से हम जुड़ चुके हैं अमय परासर के साथ। दोस्तों, मैं आप सबको बताऊं कि अक्सर होता यह है संगीत में कि टैलेंट बहुत कम बच्चों में होता है और भीड़ में से एक टैलेंट, एक प्रतिभा को चिन्हित करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने भी इस प्रतिभा को खुद ही चिन्हित किया था। मुझे लगा था कि ये बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। दरअसल पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और बच्चे पढ़ाई में भी बहुत ही होशियार, बहुत ही अच्छा है। हमेशा अपने क्लास में अव्वल आता है और हर एक्टिविटी में मैंने इसको अक्सर भाग लेते हुए देखा है। मैंने भी इसको प्रेरित किया कि आप तबला में भी आगे कर सकते हो और तबला को कंटिन्यू करो, तो इन्होंने सीखना प्रारंभ किया और ये लगभग 2.5 साल से तबला सीख रहे हैं। जब से ये लॉकडाउन COVID-19 आया, तब से हमारा अभ्यास बिल्कुल बंद हो गया और बच्चे भी 10वीं कक्षा में पहुंच चुके हैं, तो इन्होंने भी मन बना लिया कि अब जो पढ़ाई है, पढ़ाई की ओर फोकस करना है और ये सब तो साइड की चीज़ है, कभी मन होगा तो सीखेंगे, ये सब शौक की चीज़ है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके अंदर टैलेंट है, आपको सिखाने में मुझे बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं हुआ है। हाँ, बेसिक के दिनों में आपको जो मैंने गाइड किया है, कुछ दिन मुझे लगा कि हाँ मेहनत हो रही है, उसके बाद आपने उसको बहुत जल्दी फॉलो किया है। शायद इस बात को मैं कई बार बोलता हूँ तो अमय या अमय के पेरेंट्स इस बात को ये भी लेते होंगे कि सर यूँ ही तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आज यह वीडियो बनाने का मूल मकसद यह है कि आप सभी श्रोताओं पर यह निर्धारित है, निर्भर है कि इस बच्चे ने 6 महीने से बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया है और आज इन्हें हम कुछ बजवाएंगे। यदि आपको लगता है कि इस बच्चे में कोई प्रतिभा है और इसे कंटिन्यू करना चाहिए, तो आपके जो कमेंट होंगे उसके माध्यम से आप जरूर बताएंगे। और यदि इसमें थोड़ा भी आपको लगता है कि प्रतिभा है और ये इसे करना चाहिए, तो ये जरूर कंटिन्यू करेगा। हाँ, पढ़ाई तो है ही, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, 15-20-25 मिनट आप यदि डेली निकालें तो भी बहुत अच्छा है। तो आज हम हमें आप ये बताना चाहेंगे कि पिछले 6 महीने से आपने बिल्कुल अभ्यास किया ही नहीं, इसका रीजन क्या था? यस सर, मैंने 2.5 सालों से तबला की तालीम ली थी। बीच में इस लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से 6 महीने से मैं तबला की तालीम नहीं ले पा रहा था। हुआ क्या था, मैं कक्षा 10वीं में आ गया था, मुझे लगा कि बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर आगे स्कोप नहीं होता, स्कूल से भी बहुत एक्टिविटीज आ रहे थे, फिर पीयर प्रेशर भी होता है बीच में, फिर एग्जाम्स का भी डर था, तो इसी बीच में जो मेरा तबला है, इतना अच्छा कला जो है वो छूट गया था। लेकिन अब लॉकडाउन के बाद मुझे पता चला कि तबला भी, मतलब म्यूजिक फॉलो करना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो आपके मतलब स्ट्रेस को डाइवर्ट कर सकता है और बहुत खूब है म्यूजिक। तो लेकिन आप इसको मैनेज करेंगे, बजाएंगे तब? यस वही। ओके ओके, तो आज हम सुनते हैं अमय से कुछ चंद बोले जिससे आपको आभास होगा कि वाकई में बच्चा ने मेहनत किया है। तो सबसे पहले एक उठान सुनना चाहेंगे आप? बिल्कुल।
हाँ हमेशा करते हैं कि आप अभ्यास करो, आप कंटिन्यू रखो। और टीचर के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, हमारे साथ भी बहुत बच्चे ऐसे आए हैं जो मैं आपको सच बताऊं कि मेरा मन यह भी होता है कि यदि ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और या प्रैक्टिस कर भी रहा है तो इसके हाथ में कोई वो बात नहीं है और इसका विकास भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो यह इसको छोड़ करके कोई और कला को देख ले या किसी और एक्टिविटी में ये ध्यान दे। मैं कई बच्चों को खुल के बोल भी देता हूँ, लेकिन जिन बच्चों में प्रतिभा है और जो बच्चा कर सकता है, यदि वो बच्चा बीच में रोक देता है, छोड़ देता है, तो लगता है कि हमने उस बच्चों के साथ मेहनत किया था, वो बच्चा कुछ कर सकता था, वो क्यों छोड़ दिया, ये मन में खटकता रहता है। तो अमय जो है एक बहुत ही इंटेलिजेंट, पढ़ने भी बहुत अच्छा, और मुझे लगता है कि ये इस चीज़ को छोड़ता है तो हमने जो 2-3 साल जो मेहनत किया शायद वो मेहनत बेकार चली जाएगी। मेरा प्रयास यही रहेगा कि हमें इसको कंटिन्यू रखें। और सबसे बड़ी बात है कि आप सबको इसका वीडियो कैसा लगा है, इसने जो बजाया है वो कैसा है, आप लोग जरूर बताएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया।